MI रूम का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए आ चुका है, जहां पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है वर्किंग, और साथ साथ ये Android 10 को भी सपोर्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि हमें MI रूम की ओर से क्या कुछ देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमेशा MI रूम एक परफेक्ट रूम बन के आता है हमारे Redmi के Note 4 के लिए। तो क्या इस बार भी MI रूम एक परफेक्ट रूम बनता है या फिर नहीं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच। आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस, और आज हम बात करने वाले MI रूम के इस लेटेस्ट और लास्ट अपडेट के बारे में। ऐसा इसलिए है क्योंकि MI रूम का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी टाइम पहले ही क्लोज कर दिया गया था, जो कि लास्ट बीटा अपडेट था, वही अपडेट आज हमें Redmi के Note 4 के अंदर पोर्ट रूम के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये एक लास्ट अपडेट है और सबसे लेटेस्ट भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है MI रूम की ओर से। भले ही आपको EU की ओर से अपडेट देखने को मिला हो, लेकिन MI रूम अब बंद हो चुका है। तो कोई भी अगर अपडेट आता है, पोर्ट आता है, तो पहले वाले ही बिल्ड को पोर्ट करके लाया जा सकता है, क्योंकि इसका लेटेस्ट बिल्ड नहीं आएगा। पर यहाँ पे फिर भी कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं और परफॉर्मेंस भी देखेंगे कैसा हमें मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिवाइस का मॉडल, जो कि Redmi का Note 4 है, जिसका कोड नेम मिडो। 4G वाला रैम वाला मैं यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ। Android 10 का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसके जितने भी पहले अपडेट आए थे वो सब Android Pie के ऊपर थे, बट ये Android 10 के ऊपर है, जहाँ पे आपको जो काफी ओल्ड सिक्योरिटी पैच मिलता है, जो कि 2020.75 का है, क्योंकि भाई इसका अपडेट अब बंद हो चुका है, इसलिए सिक्योरिटी पैच में थोड़ा ओल्ड देखने को मिलता है। बिल्ड नंबर 20.7.9 है, इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया था, इसलिए आपको सेम बिल्ड नंबर देखने को मिलता है। मॉडल यहाँ पे Redmi का Note 4 X दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको जो डिफरेंट कर्नेल 3.18.140 क्वालिटी कर्नेल देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी है, बट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि एथेरियल या अंडरग्राउंड या फिर प्योर CAF वगैरह यूज कर सकते हो अपने अनुसार, कि आपको बैटरी चाहिए या फिर गेमिंग चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो आपको मिल जाता है स्लीप और बाकी अदर ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे एक चार्जिंग का एनिमेशन तो दिया ही गया है, बट उसे ऑन ऑफ करने का भी एक स्पेशल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप चार्जिंग के एनिमेशन को जो ऑन ऑफ कर सकते हो, और सेकेंड ऑप्शन से अब उसमें चेंजमेंट है जो ला सकते हो। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाता है, कॉलिंग के टाइम में शेड्यूल भी आप सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस लेवल में सन लाइट मोड का भी एक नया ऑप्शन मिलता है, ये तभी काम करता है जब आपका ऑटोमेटिक ऑफ रहेगा। इसे ऑन रखने पे जब आप आउटडोर में जाओगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब भी हम ऑटोमेटिक को ऑफ रखते हैं और ब्राइटनेस को काफी लो रखते हैं इनडोर में, और अचानक से हम चले जाते हैं आउटडोर में, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है ब्राइटनेस लो होने की वजह से, और ये ऑफ होता है तो मैनुअल एडजस्ट नहीं कर पाता है। वैसे में हमारा सनलाइट मोड है जो काम करता है, जब है जो सन की रोशनी पड़ती है तो नाइट मोड या लो लाइटनिंग है जो वो एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे हमें जो विजुअलिटी है जो बढ़ जाती है आउटडोर में, तो काफी अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाता है सनलाइट मोड का। ये उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है जो कि ऑटोमेटिक को बहुत कम यूज करते हैं, और यहाँ पे है जो मैनुअली ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे में काफी बेहतरीन ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रीडिंग मोड भी हमें यहाँ पे जो वर्किंग देखने को मिलता है, रीडिंग मोड में कोई भी इशूज नहीं है। यहाँ पे एंटी फ्लिकरिंग भी दिया गया है, और यहाँ पे डार्क मोड के अंदर भी एक स्पेशल ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि हम डार्क मोड को जब भी इनेबल करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है डिसेबल ग्लोबल डार्क मोड। ग्लोबल डार्क मोड का तो ऑप्शन मिलता था, बट यहाँ पे आपको डिसेबल डार्क मोड का मिलता है ऑप्शन। इसे जैसे आप करोगे आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंडिविजुअल ऐप वगैरह एक्टिव, यानी इनका यूज आप कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली आपका जो ग्लोबल डार्क मोड इनेबल रहेगा। तो एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है इस MI रूम के अंदर। यूज न्यू MIUI फॉन्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी पोर्ट रूम आते हैं उनमें हमेशा ये ऑप्शन काम नहीं करता है, बट आप देख सकते हो इसे इनेबल करते हैं फॉन्ट के अंदर जो चेंजिंग हमें दिखाई देता है, तो ये भी यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में मैंने अभी ओल्ड ही QS पैनल को रखा है, तो आप न्यू कंट्रोल सेंटर यूज करना चाहते हो तो बस इस ऑप्शन को ऑन करना है, उसके बाद आपको नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वाइप जेस्चर वगैरह भी आप स्लाइड कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप स्वाइप कर पाओगे एक के ऊपर दूसरा, जैसे हमारा है जो ये उसका सेकंड, तो इस तरीके से काम करता है। हाइड भी कर सकते हो यहाँ पे, तो हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे फ्लैश लाइट और वाईफाई ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, इसे ऑन ऑफ करने पे कुछ इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो ये बदलाव आपको दिखाई देता है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन वगैरह ऑप्शन मिल जाता है, रोइन कॉलम, जो कि तभी काम करेगा जब आप कंट्रोल सेंटर को हाइड रखोगे यानी बंद रखोगे। बाकी वही आपको स्पीड मीटर कलर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। यूज ओल्ड बैटरी स्टाइल कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका शेप है जो चेंज हो जाएगा। ड्यूल नेटवर्क जैसे कि पोको में हमें देखने को मिलता था, कुछ उस टाइप से आपको देखने को मिलेगा,
और इसे इनेबल करने के बाद आपका वोल्टी का जो आइकन है वो हट जाता है, तो इसे आप ऑन ना ही करें तो ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वोल्टी का आइकन हटेगा तो कॉलिंग नहीं होगी, कॉलिंग होगा बस आइकन हट जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रोटेशन और फुल स्क्रीन मोड। साउंड के प्रोफाइल में कुछ भी नया नहीं है, ना ही स्क्रीन सूट के अंदर है। होम स्क्रीन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या रखना है आपको, एपलेट या गूगल फीड, सर्च बार, टूल लाइन, शैडो। जनरल के अंदर आपको मिल जाता है क्लासिक और ऐप ड्रॉअर का भी फीचर्स मिलता है। यहाँ पे होम स्क्रीन का लेआउट, फ्री मेमोरी देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ टैब को मैंने ओपन कर रखा है, जहाँ पे आपको 1.3 GB मेमोरी फ्री देखने को मिलता है। तो रैम मैनेजमेंट मुझे ठीक ठाक ही लगा है और पहले से प्री रूटेड रहता है, बट आपका नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बैंकिंग के ऐप यूज कर पाओगे। बट जियो के जो एप्लीकेशन है ना वो हमेशा है जो कस्टमरों के अंदर प्रॉब्लम करता है, तो जियो का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे भी आएगा। नेट सेफ्टी पास हो या ना हो उसे जियो के ऐप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस कस्टम रोम है काम नहीं करेगा। तो आपको देखना है कि भाई कस्टम रोम पे आपको जियो यूज करना है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेट सेफ्टी पास है और साथ साथ हमारा जो प्ले स्टोर है ये भी सर्टिफाइड है। ठीक है, सर्टिफाइड है तो यहाँ पे आपको बैंकिंग ऐप में प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे जो मैंने माइग्रेट का यूज किया अच्छे से काम करता है और अनट्रू का स्कोर भी ठीक देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी पबजी तो बैन है तो ये स्कोर काफी अच्छा है बैटरी का और परफॉर्मेंस के लिए, बट बूस्टअप के लिए मैंने आपको 3 kernel का नेम बताया, उनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हो। तो मुझे ये परफॉर्मेंस स्कोर जो अनट्रू का है वो सही लगा। लेटेस्ट यहाँ पे गेम ड्रॉ भी देखने को मिलता है जहाँ पे सारे एप्लीकेशन प्रॉपरली काम करते हैं। और यहाँ पे आते थे आपको जो स्काई फिल्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आते थे आपको वीडियो एडिटिंग टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है और स्काई का एक नया ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। बट ये 34 MB का है और फिलहाल ये डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप एक बार डाउनलोड कर लेना क्योंकि वीडियो एडिटिंग टूल बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में आपको यूट्यूब का बैकग्राउंड प्ले भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप देख सकते हो, बट हंगामा एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड नहीं है। यहाँ पे आपका जो थीम स्टोर है ये चाइना का ही मिलता है, तो आप एप्लीकेशन वगैरह MTZ फाइलों को इंपोर्ट करके अप्लाई कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगा, थीम स्टोर काम करता हुआ आपको नजर आता है। कैलेंडर में बाय डिफॉल्ट आपको चाइना का लैंग्वेज देखने को मिलता है, तो बस ट्रिपल लाइन पे आना है, सेटिंग्स पे जाना है, चाइनीज कैलेंडर को ऑफ कर देना है। उसके अलावा आपको सिंपल सा UI देखने को मिलेगा और काफी स्मूथ है, रिस्पॉन्स भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो भी ब्लूटूथ आप कनेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पे ब्लूटूथ अच्छे से काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है, आप कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वीडियो कॉल का भी बग आ रहा है, जितने भी एंड्रॉइड 10 के पोर्ट रोम आ रहे हैं सभी में वीडियो कॉल बग ही है, यानी कुछ सेकंड के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप कॉलिंग कर सकते हो जियो से, लेकिन वीडियो कॉल के लिए आपको व्हाट्सएप, डीयू, फेसबुक वगैरह यूज करना होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे FM मिलता है, बट ये भी बगी है, मैंने बहुत कोशिश की बट FM यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी एंड्रॉइड 10 के रोम आ रहे हैं पोर्ट रोम, उन सभी में FM का भी बग देखने को मिलता है, तो ये कॉमन हो गया अभी सभी रोम के लिए, तो इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हेल्थ ऐप है जो यहाँ पे अच्छा से काम करता है, बट ये थोड़ा सा ओल्ड है क्योंकि भाई काफी टाइम पहले बंद हो चुका है, तो आप चाहो तो हेल्थ ऐप को मैनुअली अपग्रेड कर सकते हो, जहाँ पे हार्ट रेट का एक नया फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। फाइल मैनेजर भी आपको देखने को मिलता है MIUI 12 का, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे ये कोई भी फाइल को मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं कैमरे की ओर, तो कैमरा भी आपका वर्किंग मिलता है, बट पोर्ट्रेट का बग है और यहाँ पे आपको एक वीडियो के अंदर स्लोमो का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्लो मोशन भी यहाँ से अच्छे से काम करता है। तो मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है तो स्लो मोशन यहाँ पे काम कर रहा है, तो आपको स्लो मोशन को यूज करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली है। कॉलिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कॉल के अंदर आपको कॉलर आईडी का फीचर्स मिल जाता है, जो कि बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि भाई ये हमें चाहिए, तो एडवांस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कॉलर आईडी। तो ये सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे वर्किंग मिलता है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की ओर आते हैं एडिशनल सेटिंग की ओर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, जहाँ पे आप जो एंड्रॉइड 10 का नेबर हटा सकते हो या फिर रख सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है म्यूजिक मैनेजमेंट का ऑप्शन और पार्सल स्क्रीन शॉट भी मिल जाता है। किक बॉल के अंदर आपको जो वेकअप का जो एरिया है वो भी आपको देखने को मिलता है, साथ साथ यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो भी आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप फ्लोटिंग विंडो भी यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन है जो फ्लोटिंग विंडो को सपोर्ट करते हैं, तो उनका आप जो यहाँ पे बेनिफिट ले पाओगे, जैसे कि हम अनट्रू के ऊपर आते हैं तो ये फ्लोटिंग विंडो काम करता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसका जो बेनिफिट ले पाओगे। तो भाई मिडो के अंदर भी आप फ्लोटिंग विंडो का फुल बेनिफिट है जो ले। यहाँ पे आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि प्रॉपर काम करता है, और ड्यूल फेस अनलॉक भी आपको सपोर्टेबल है, यानी ड्यूल फेस डेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ऐसे कम रूम होते हैं जिनमें ये फीचर्स आपको देखने को मिलता है, तो लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी वाले प्राइवेसी वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बारी आती है कि इसे फ्लैश कैसे करना है, तो उसके लिए हमें स्विच करना होगा TWRP की ओर। TWRP में स्विच होने के बाद आपको वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप, यहाँ पे सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बस इंटरनल को आपको सिलेक्ट नहीं करना है।
और इस रोम के लिए रिकमेंडेड है ऑरेंज फॉक्स और ऑफिशियल रिकवरी जो कि 3.4 का है। तो आप ऑरेंज फॉक्स यूज कर लो तो ज्यादा बेटर है, बट मैं अभी फिलहाल यहाँ पे पिच ब्लैक यूज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे होम पे आना है, इंस्टॉल पे जाना है, अपने फाइल को ब्राउज करना है जहाँ पे आपने फाइल को रखा है। तो ये रहा हमारा लेटेस्ट MI रूम का फाइल जो कि आप देख सकते हो MIUI Redmi Note 4X MI रूम, और यहाँ पे आपको बिल्ड 20.7.9 देखने को मिलता है। सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं और अब तक का मुझे काफ़ी अच्छा रोम लगा, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर है और MI रूम हर बार है जो काफ़ी बेटर डिटेल भी प्रोवाइड करता है। बस यहाँ पे कॉमन से बग देखने को मिलते हैं वीडियो कॉल का और FM का, बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो अच्छे से काम कर रहा है। तो आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि बाकी रोम के कंपेरिजन में ये रोम आपको कैसा लगा और क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे या नहीं। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सपोर्ट के लिए बस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसके कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको यहाँ पे एक वाइप कर देना है कैच को और रिबूट पे टैप कर देना है। आपका फोन 2 टाइम रिबूट होगा, उसका ऑन हो जाएगा और फर्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट है तो सेटअप देखने को मिलेगा और लैंग्वेज चेंज देखने को मिलेगा। तो लैंग्वेज को चेंज करना है तो बस वीडियो के स्टेप को फॉलो करें, उसके बाद आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर पाओ। जैसे आपका फोन ऑन होगा बस MI अकाउंट आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करते ही आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगा और यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, सेम उसी को आपको फॉलो करना है, उसके बाद आप लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे। तो नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आना है आपको इस ऑप्शन के ऊपर जहाँ पे ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा है, इसे ओपन करना है। आपको सेकंड नंबर पे आना है जहाँ पे आपको ग्लोब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे जाना है और अपने लैंग्वेज को चेंज कर देना है। जैसे आप चेंज करोगे सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा और सपोर्टेबल लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि मल्टी है, लेकिन बहुत कम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एक छोटी सी कमी और आपको इस रोम में देखने को मिलता है जो कि आप इजिली फिक्स कर सकते हो, वो है हमारे हॉट स्पॉट का। तो हम आते हैं अपने हॉट स्पॉट के ऊपर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एरर देखने को मिलता है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, पोर्टेबल हॉटस्पॉट से आपको डिफॉल्ट पे सेट करके ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे आपका जो हॉटस्पॉट फिर से काम करने लग जाएगा और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये अब दूसरे डिवाइस के अंदर शो भी होने लग गया है। तो इस तरीके से आप हॉटस्पॉट वाली प्रॉब्लम को भी फिक्स कर पाओगे। तो आई होप सो गाइस कि मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है कि क्या कुछ हमें मिल जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।